नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, खबर छतरपुर से है। यहां पर वकीलों द्वारा बार संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर निधि खरे के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग की गई। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में एक दिन पहले एडवोकेट नीरज देवलिया की पत्नी कल्पना को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। यहां पर पदस्थ डॉक्टर निधि खरे द्वारा उनका इलाज किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो टाके लगाए गए उनमें से ब्लीडिंग हो रही थी। सूचना दिए जाने के बाद दोबारा भी टाके लगा दिए गए, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी। लापरवाही की इस वजह से प्रसूता की मौत हो गई। यह ज्ञापन उस दौरान दिया गया जब कलेक्टर अपने घर जा रहे थे। सभी अधिवक्ताओं ने कलेक्टर मोहित बुंदस का वाहन रोककर उनसे इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा एसपी के नाम भी एक ज्ञापन एडिशनल एसपी जयराज कुबेर को सौंपा गया। हमारे साथी नीरज देवालिया एडवोकेट की पत्नी का सीजरन ऑपरेशन हुआ था, जिससे एक बेटी को जन्म हुआ था, तो उसके डॉक्टर निधि खरे द्वारा ऑपरेशन किया गया था, परंतु जो टांके लगाए गए थे उससे बराबर ब्लड आ रहा था। दोबारा पुनः जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फिर से टांके लगाए, लेकिन ब्लड आना बंद नहीं हुआ और लगातार उपेक्षा करते रहे। जब बुला कई बार बुलाने के बाद भी वो देखने के लिए नहीं आए, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। हमारे कई लोगों ने उनसे कहा कि अगर आपके बस का ना हो तो आप इनको बाहर रेफ़र कर दीजिए, तो हम बाहर ले जाएंगे, परंतु ना तो बाहर उनको मेडिकल के लिए रेफ़र किया और ना ही सही तरीके से इलाज किया, जिसके कारण हमने निधि खरे के खिलाफ FIR करने एवं जिला अस्पताल के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दिया गया है। किस तरीके का आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब का ये कहना है कि मैं अपर कलेक्टर से जाँच कराऊँगा निष्पक्ष रूप से, और जो भी लापरवाही होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दिनांक 22/9/19 को हमारा एक साथी नीरज देवलिया, उसकी मिसेज की डिलीवरी हुई थी जिला चिकित्सालय छतरपुर में। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर निधि खरे के द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उसकी पत्नी के जो टांके लगाए थे पेट में वो उचित तरीके से नहीं लगाए, और जिसके कारण दूसरे दिन वो टांके टूट गए और उसको ब्लीडिंग हुई, और उचित तरीके से उसका इलाज नहीं किया गया, ना ही उसको रेफर किया गया, और अस्पताल में रखे रहे और घोर लापरवाही करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण हम यहाँ पे आज SP महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि डॉक्टर निधि खरे के खिलाफ तत्काल एक्शन लेके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि आए दिन जिला अस्पताल में गरीबों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और हम गरीबों के साथ हैं, और आज हमारे साथ घटना हुई है, हम चुप नहीं बैठेंगे, और चाहे जितनी हमको करना पड़े, हमको आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे और FIR दर्ज करवाएंगे। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।